जातिगत समीकरणों से छात्र राजनीति भी अछूती नहीं है। एबीवीपी और एनएसवाई उम्मीदवार का चयन समुदाय के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखकर करते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी में इस बार एबीवीपी और एनएसवाई ने अध्यक्ष पद पर जाट प्रत्याशी को मैदान में उतार कर जातिवाद के समीकरणों को साधने का प्रयास किया है, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जाट जाति का दबदबा माना जाता है। बरसों से ट्रेंड चला आ रहा है कि यूनिवर्सिटी में जाट और मीणा जाति के छात्र सबसे ज्यादा हैं, जिसका असर प्रत्याशी चयन में देखने को मिलता है। आइए नजर डालते हैं पिछले कुछ सालों में राजस्थान यूनिवर्सिटी में अध्यक्ष पद के लिए टिकट मिलने वाले प्रत्याशियों पर, और इस बात को समझने के लिए ये देखना होगा कि पिछले कुछ सालों में एनएसयूआई और एबीवीपी ने यहाँ पर किसे टिकट दिया। 2019 में एबीवीपी ने अमित बड़बड़वाला चौधरी को टिकट दिया, तो वहीं एनएसयूआई ने उत्तम चौधरी को मैदान में उतारा। 2018 में एबीवीपी की ओर से राजपाल चौधरी, तो वहीं एनएसयूआई की ओर से रणवीर सिंघानिया। 2017 में यहाँ पर मुकाबला संजय माचेड़ी और दीपक मीणा के बीच था। 2016 में अखिलेश पारिक और त्रिशला चौधरी के बीच मुकाबला था। 2015 में राजकुमार बिवाल और सतवीर सिंह चौधरी के बीच मुकाबला रहा। 2014 में यहां पर मुकाबला शंकर चौधरी और अनिल चौधरी के बीच में हुआ, तो वहीं 2013 में यहां पर कानाराम जाट और शेफाली मीणा एनएसयूआई और एबीवीपी की ओर से मैदान में थे। 2012 में एबीवीपी की ओर से राजेश मीणा चुनावी मैदान में उतरे, तो एनएसयूआई की ओर से विद्याधर चौधरी चुनावी मैदान में उतरे। उससे पहले 2011 में एबीवीपी ने कमल स्वामी को टिकट दिया, तो एनएसयूआई ने मनोज सुंडा को चुनावी मैदान में उतारा। बात अगर 2010 की करें तो एबीवीपी की ओर से मनीष यादव चुनावी मैदान में उतरे, तो स्पर्धा चौधरी ने एनएसयूआई से टिकट हासिल किया। यूनिवर्सिटी में इस साल 23,553 वोटर्स हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक इस साल सबसे अधिक करीब 8,000 जाट वोटर्स हैं, जबकि 4,000 मीणा वोटर्स हैं, तो वहीं 12% के करीब एसटी और 16% एससी और एसबीसी के 5% वोटर्स हैं। और इन्हीं संख्या बल को देखते हुए छात्र संगठनों ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। अब इंतजार 28 अगस्त का होगा, जिस दिन ये साफ हो जाएगा कि वोटर्स ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। हालांकि बीते 3 सालों में इसी कैंपस में जातियों की गणित को नकारते हुए आम मतदाता ने निर्दलीय प्रत्याशियों पर अपनी मुहर लगाई है। ललित कुमार, जी मीडिया, जयपुर।